कौन लोग हैं? सनसनीखेज घटना का खुलासा किया गया है। ये पिंकी नाम की महिला की सड़क दुर्घटना में एक मृत्यु दिखाई गई थी दिनांक 18 अक्टूबर 2018 को। स्थानीय पुलिस के द्वारा बहुत गहराई के साथ घटना को गंभीरता से लेकर के जांच पड़ताल तफ्तीश अपनी की गई, तो उसमें जो घटना हुआ, घटना का खुलासा हुआ, वतन चौंकाने वाला हुआ। ये पिंकी जो थी वो गांव का सतीश यादव करके है, ग्राम प्रधान है, इसकी वाइफ प्रधान है, उसका पति है, उसके द्वारा उसकी एक ये दूसरी पत्नी के तौर पर रह रही थी। और 17 तारीख की रात को इनका दोनों का झगड़ा हुआ और बाद में इसको फांसी लगा करके गला घोंट करके इसका हत्या कर दिया गया। और षड्यंत्र के तहत में शव को कटिघरा जगह एक पड़ती है काली मिट्टी के पास में थाना F84 और रोड पर रख करके इसको सड़क दुर्घटना का स्वरूप दिया गया और उसमें बाकायदा विधिवत ट्रक के द्वारा कुचल करके इसकी हत्या की गई ताकि देखने में ये सड़क दुर्घटना दिखाई दे। स्थानीय पुलिस ने इसको सही पर्दाफाश किया है और इस घटना में 5 जो अभियुक्त थे वो 5 अभियुक्त में से 5 अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया गया। उनके नाम है सतीश कुमार है, सुशील है, अमित है, आशीष है और दिनेश लोन है। बाकी 3 अभियुक्तगण इसमें और उनकी गिरफ्तारी शेष है। और बाकी जो इसमें घटना में जो माल बरामद हुआ है उसमें जो ट्रक जिससे एक्सीडेंट किया गया तो ट्रक की बरामदगी हुई है और जो स्कॉर्पियो जिस गाड़ी से ला करके मृतका को घटना स्थल तक लाया गया तो स्कॉर्पियो बरामद हुआ है, जो कपड़ा जिससे गला घोंटा गया था वो बरामद हुआ है। तो इस प्रकार से करके ये एक स्कूटी भी एक जो खुद इसी प्रधान की थी वो भी बरामद हुई है ताकि स्कूटी से दिखाया गया था कहाँ ये देखने में लगे कहाँ स्कूटी से महिला ये जा रही थी और इससे ट्रक के द्वारा इसका एक्सीडेंट हुआ। तो एक हत्या को सुनियोजित तरीके से दुर्घटना का रूप दे करके मार दिया गया था। तो लोकल पुलिस ने काफी अच्छे ढंग से तफ्तीश करके सही घटना का खुलासा किया है। हत्या का एक अभियोग पंजीकृत किया गया है इसमें और एक और इसमें आई है बात प्रकाश में जो इसका मुख्य अभियुक्त है जो इसका सतीश यादव है, इसके द्वारा थाना कोतवाली में भी एक मुकदमा अपराध संख्या 1026 पंजीकृत है जिसमें ये NBW वारंटी था हत्या के ही अपराध में। तो एक वो उसमें एक वो भी गिरफ्तारी इसकी NBW की NBW में जो था वो भी गिरफ्तार किया गया, हत्या में गिरफ्तार किया और इसमें इनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके विरुद्ध में कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। और बाकी इसमें शेष 3 अभियुक्त अभी और जिनकी बरामदगी गिरफ्तारी अभी शेष है उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। थैंक यू।